खवातीन हजरात, अनहार सिलसिले के प्रोग्रामों में आज के इस शुमारे का आपको इंतज़ार रहा होगा, हम जानते हैं, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। आज के शुमारे की जीनत बढ़ा रही हैं शमीम देव। हमारे यहाँ कश्मीरी लाइट मौसीकी की मकबूलियत का दौर राज बेगम की सहरंगेज़ आवाज़ से शुरू होता है, और ये उन्हीं की काविशों और कोशिशों का नतीजा था कि ये रोज़ बरोज़ मकबूल होता गया। मकबूलियत की यही वजह थी कि हमारे यहाँ जो नए नए फनकार थे वो भी मौसीकी की सिंफ की तरफ रागिब होते गए। शमीम देव ने कश्मीरी मौसीकी की इस सिंफ में, इसके अनहार यानी खदुखाल में जो रंग भरे हैं, उनमें से कुछ रंग आज आपके सामने पेश होंगे। सुना है जहन्नम के शोलों को इसकी इजाज़त ना होगी कि उससे तारुज करें जिसने दरियाए इश्क मोहम्मद में अपना दामन भिगो दिया हो। तो आइए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम एक नात नबी से करते हैं। Thank you.
पत्थर लची बद सनम गो सदाए लाई लात बे पत्थर लची बद सनम कासी है नई जान सुल मातन रसूले नाज़रीन, हमें एहसास है कि आज की इस रंग भरी शाम में आप शमीम देव के जितने भी ज़्यादा गाने हो सकते हैं सुनना चाहेंगे, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो यही कुछ मौके होते हैं जब हम फ़नकारों की ज़िंदगी में इनके कुछ वाक़यात जानने में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए शमीम जी से एक दो बातें करें, उसके बाद ज़ाहिर है ये शाम चलती रहेगी। शमीम, आपकी ज़िंदगी में संगीत कब दाखिल हुआ? जी, मैं सेवंथ में पढ़ती थी, सातवीं जमात में जी, जब से मैंने गाना शुरू किया। और संगीत की पहली तान आपने कहाँ से सुनी थी? किसी रेडियो में, किसी जलसे में, कहाँ, किसको सुना था आपने? नहीं, पहले तो सबसे पहले मैं लता मंगेशकर से बहुत इंप्रेस थी। लता के फिल्मी गानों से या कुछ गज़लें उन्होंने गाई थी? फिल्मी गानों से, तब मुझे बहुत। तो फिर अपनी संगीत की ज़िंदगी का आगाज़ भी आपने फिल्मी गानों से किया, वो अलापती रहीं, गुनगुनाती रहीं, या फिर आपने कहीं बाज़ाब्ता तालीम हासिल की इसकी? उसके बाद मैं एक म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में गई थी जी, वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, तो फिर मैंने सीखना शुरू किया इसको बाकायदा। कहाँ, कौन उस्ताद थे आपके? मेरे उस्ताद तो शंभुनाथ सोपुरी जी हैं। सोपुरी साहब जी, मेरे ख्याल में नाज़रीन आगे चल कर कुछ और बातें भी होंगी, लेकिन अब हम शमीम जी से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें अब्दुल हाद आज़ाद का एक कश्मीरी नगमा है वो सुना दें। आप सुनिए।
शमीम, आजकल तो वैसे आप कॉलेज में पढ़ाती हैं म्यूजिक ही, कभी खुद भी पढ़ा होगा आपने? जी। वैसे तो मज़मून के आपने लिया था मौसीकी को। अच्छा, ये जो मौसीकी थी आप कह रही हैं कि बाज़ाब्ता आपने तालीम हासिल की इसकी, तो कब आपको इतनी कॉन्फिडेंस आई कि आप बाज़ाब्ता स्टेज पर आकर नाजरीन के सामने कुछ पेश करें? सबसे पहले मैंने कॉलेज में गाया था एक फंक्शन में, फैज अहमद फैज की एक गजल थी। कौन सी गजल थी? हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो। उसकी एक दो सतरें रिसाइट कर सकती हैं आप इस वक्त? दुश्नाम तो नहीं है ये, इकराम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो
वैसे हैरानी की बात यह है कि आपकी मादरी जबान तो कश्मीरी है, लेकिन जिस वक्त आप पहली बार स्टेज पर आई और कॉलेज में फंक्शन पर यह गजल पेश की तो ये उर्दू थी, और अब ज्यादातर आप वैसे कश्मीरी गाती हैं, तो कोई खास वजह थी कि उस वक्त आपने? वाह, वैसे हैरानी की बात यह है कि आपकी मादरी जबान तो कश्मीरी है, लेकिन जिस वक्त आप पहली बार स्टेज पर आई और कॉलेज में फंक्शन पर यह गजल पेश की तो ये उर्दू थी, और अब ज्यादातर आप वैसे कश्मीरी गाती हैं, तो कोई खास वजह थी कि उस वक्त आपने उर्दू से शुरू किया था? नहीं, उस वक्त कॉलेज में तो उस ऑडियंस ऐसे थे जो बाहर के आए थे जी, उनको कश्मीरी शायद समझ में नहीं आता होगा, तो इसलिए उस टाइम मुझे उर्दू ही गानी पड़ी। लेकिन अब चूंकि यहाँ हम तो खुद कश्मीरी हैं और सब कश्मीरी सुनने वाले तो बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कश्मीरी गाना पड़ता है। नहीं, गाना पड़ता है या मादरी जबान होने की वजह से आप इसमें ज्यादा कशिश महसूस करती हैं? फिर मैं आपसे फरमाइश करूंगा कि आप हमारे देखने वालों को एक और कश्मीरी गजल, वो महमूद गामी की है, और नाजरीन महमूद गामी की ये गजल जो है ये तसवुफाना रंग लिए हुए है, और इसमें आशिक का माशूक के तई एक सुपुर्दगी का इजहार मिलता है, यानी वही मामला है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। सुनिए और देखिए। Thank you.
शमीम, आपने कहा था कि इब्तदाई ज़िंदगी में आपने लता के फिल्मी गानों से मुतासिर होकर गाने की तरफ आप रागिब हुई थी, तो अब आप तो कश्मीरी गज़लें भी गाती हैं और ज़्यादातर वही गाती हैं। मुझे बताइए कि कश्मीरी फ़नकारों में यहाँ लाइट मौसीकी जो गाते हैं यहाँ, उनसे किससे मुतासिर हुई थी आप? मैं ज़्यादातर राज बेगम से बहुत मुतासिर हूँ और ग़ुलाम हसन सूफ़ी। ज़ाहिर है नाज़रीन, राज बेगम और ग़ुलाम हसन सूफ़ी तो हमारे जाने पहचाने फ़नकारों में हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और नई आवाज़ों में कैलाश और शमीम ने जो नए रंग भरे हैं इस मौसीकी में, वो आपने रेडियो से भी सुने होंगे और इस वक्त एक झलक तो आप देख ही रहे हैं। तो शमीम, आपने कश्मीरी के अलावा, उर्दू के अलावा और भी कई ज़बानों में गाया भी है और गा भी सकती हैं, मसलन कितनी ज़बानों में? 13 लैंग्वेज में गाया। कौन कौन सी? बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम और गुजरी, पर्शियन, अरबी में भी मैंने गाया है, डोगरी और बहुत सी ज़बानें भी याद नहीं आ रही। माशाल्लाह। लेकिन चूंकि ये शाम जो है इतनी तवील तो हो नहीं सकती कि इतनी सारी ज़बानों को अपनी आगोश में जगह दे, इसलिए हम ये शाम ज़्यादातर कश्मीरी गानों की ही नज़र कर रहे हैं। और अब मैं शमीम से फिर दरख्वास्त करूँगा कि एक और कश्मीरी गज़ल रसूल मीर की है, वो पेश करें।
नाजरीन ये सहर भरी शाम अभी चल रही है। शमीम मुझे आप बता दें कि आप जिस माशरे से ताल्लुक रखती हैं, जिस वक्त राज बेगम ने गाना शुरू किया होगा, मुमकिन है उन्होंने कुछ तीरोनिस्तर समाज के बर्दाश्त किए होंगे, और मैं उन्हें मुबारकबाद के मुस्तक समझता हूँ कि ये उनकी कोशिशों का नतीजा था कि आज आप इस तरफ मुतवज्जह हुई और आप बहसियत एक आर्टिस्ट के मंजराम पे आई हैं। तो इस सिलसिले में आपके घर वालों की तरफ से क्या रद्द मिल रहा? मेरे फादर ने तो मुझे बहुत एनकरेज किया है जी। क्योंकि पुराने जमाने में तो फनकार की शायद इज्जत न की गई हो, लेकिन आजकल तो फनकार को बहुत इज्जत दी जाती है। खैर, ये हौसला अफजा अल्फाज हैं आपकी तरफ से सब उन लोगों के लिए जिनके यहाँ कोई भी फनकार जन्म ले रहा हो, क्योंकि ज़ाहिर है घर ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ फनकार की इब्तदाई ज़िंदगी परवान चढ़ती है, और जैसा माहौल उन्हें मिले वैसे ही वो आगे जाते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आपके घर वाले काबिल सताइश हैं। तो मुझे आप ये बताइए शमीम कि कश्मीरी तो आप गाती हैं, उर्दू भी गाती हैं, जैसे आपने कहा कि बाकी और भी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानें जो हैं उनमें भी गाती हैं, तो क्या आप कश्मीर से बाहर निकल कर हमारे मुल्क की कौमी सतह पर आना चाहती हैं, या बस यही वादी में इन्हीं पहाड़ों में ये आवाज़ गूंजनी चाहिए? जी हाँ, आना तो चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। अल्लाह करे ज़ोर सहर और ज़्यादा। नाज़रीन, अब जो गाना हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो एक मकबूल तरीन गाना है। कश्मीरी शेर व अदब में महजूर तो किसी तारुफ के मोहताज है नहीं, और उन्हीं के ज़माने में महमूद शहरी का नाम भी आपने सुना होगा, उनकी आवाज़ में ये गाना खेतों खलियानों में इसकी गूंज सुनाई दी और बहुत मकबूल हुआ। उसके बाद गुलाम हसन सूफी ने भी ये गाना अपनी तरन्नुम रेज़ आवाज़ में गाया। की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो एक मकबूल तरीन गाना है। कश्मीरी शेर व अदब में महजूर तो किसी तारुफ के मोहताज है नहीं, और उन्हीं के ज़माने में महमूद शहरी का नाम भी आपने सुना होगा, उनकी आवाज़ में ये गाना खेतों खलियानों में इसकी गूंज सुनाई दी और बहुत मकबूल हुआ। उसके बाद गुलाम हसन सूफी ने भी ये गाना अपनी तरन्नुम रेज आवाज़ में गाया, और शमीम देव ने भी गाया है। और इस गाने की खूबी देखिए कि ये तीनों आवाज़ों में इतना ही मकबूल है, और आज भी घरों में खेतों में खलियानों में हर जगह ये उतना ही मकबूल है जितना तब था। मैं रोज़ रोज़ की बात कर रहा हूँ, और सुनिए और देखिए।
मैंने देखा मेरे आँखों में नमी आते ही तेरे रंगीन से आंचल की धनक रोती है। मजदूर की इस गज़ल में नमनाकी भी थी, उदासी भी और उम्मीद व बीम की कैफियत भी लर्जान थी। नाज़रीन, अनहार के इस शुमारे की आखिरी पेशकश एक कोर्स है। मेरे ख्याल में अब हम शमीम जी से कोई सवाल किए बगैर ही ये कोर्स शुरू करते हैं।
शुक्रिया शमीम जी। और नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि अनहार के ये कुछ रंग जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए आपको पसंद आए होंगे, और इस वक्त आपका भी जी वही चाह रहा होगा जो हमारा चाह रहा है, यानी ये कि ये सहरंगेज़ आवाज़ कुछ देर और जादू जगाती रहे। लेकिन यार जिंदा सोबत बाकी, अनहार का आज का ये शुमारा ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
बुराई भी करूंगी अच्छाई भी करूंगी, थोड़ी बहुत बुराई मेरी जो है उसी से शुरू करती हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं। बड़े माहिर हैं, बड़े काबिल हैं और बहुत स्विफ्ट हैं अपने काम में। मेरा एक इतना खूबसूरत प्रोडक्शन बना कर पढ़ना डब्बे में बंद कर, और जब हर साल शरद जी क्यों जी 3-4 साल हो जाते But he is very, very creative. Done on Indra Sabha. It's complete 4 दिन की sitting नहीं देते शरद जी मुझे। ये तो इनकी मैंने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें पर many years ago when शरद जी approached me and he said कि उमा विदुमा of course I think उमा वासुदेव must also be here. The creative work that he did, and I must say कि जब भी मैंने इनके साथ में शरद जी के साथ production किया, but from दूरदर्शन it should be शरद जी, and I always love working with him. So he really harasses me, और अब तक harassment चल रहा है, अब मैं किससे शिकायत करूँ, क्या करूँ, सुनते ही नहीं है। तमाकू, अब तो इन्होंने नई बातें शुरू करी हैं। He takes a morning walk, he goes about and he goes to वृंदावन बिहारी जी के दर्शन भी नहीं कर रहे। फिर बात घूम घूम के और मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैंने पहले कह दिया था जब मिस्टर के कोहली ने कहा कि मकबूलियत का एक रिफ्लेक्शन है। मैं तो मैं यहाँ आया हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन सिर्फ नहीं है कि शरद दत्त मेरे बहुत अजीज सीनियर कलीग। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम क्वालिफाइड इनफ टू से एनीथिंग अबाउट शरद जी, बिकॉज उनकी जो हमारे जहत शख्सियत है उसकी इतनी परतें हैं कि मेरा ख्याल में आप सब लोग यहाँ मुझसे बेहतर गुजारते हैं। शरद जी मेरे लिए एक बहुत ही सीनियर प्रोड्यूसर का नाम था। जिस जमाने में मैं भी एक जमाने में प्रोड्यूसर था तो हम सुना करते थे कि शरद जी दिल्ली से आए हैं। उस जमाने में श्रीनगर में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम करता था और शरद जी एज यूजुअल अपनी डॉक्यूमेंट्री कमीशन लेकर कश्मीर आते थे और पता चलता था कि शरद जी हैं। उसके बाद मैं खुद दिल्ली आया, दूरदर्शन के हेडक्वार्टर में काम किया, फिर शरद जी से एज करीब मुलाकात हुई और अब ये मेरा प्रिविलेज है कि पिछले 4 साल से हम एक ही केंद्र में साथ साथ काम करते हैं। और जैसे उमा जी ने कहा, ऐसे शरीफुल नफ्स शख्सियत के साथ रहने से खुद अपनी शख्सियत में निखार आता है। शरद दत्त की शख्सियत ऐसी है जब वो कमरे के अंदर आते हैं तो आपको खुद अदब से बैठना पड़ता है कि कहीं गलती से आपने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जिससे शरद दत्त की जमीन पर कोई शिकायत नजर आए। ये बहुत भारी भरकम शख्सियत है लिटरल, और मैं नहीं जानता कि अभी तक इनके बहुत ही अजीज दोस्त मुज्तबा हुसैन साहब ने इनका खाका क्यों नहीं लिखा। इसके बाद मैं जरूर उनसे गुजारिश करूँ, क्योंकि आप इनको महज सिर्फ रंगारंग शख्सियत नहीं कहेंगे। अपेरेंटली ये बहुत ही लिए दिए रहते हैं, बहुत ही संजीदा, बहुत ही लिए दिए। और अगर हम पुराने रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन कहें तो शरद दत्त उस पर पूरा उतरते हैं क्योंकि मिस्ट्रीज भी हैं। लेकिन जितना जितना आप इनसे करीब होते जाएंगे उतना आप इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होते जाएंगे। वो जो उमा जी ने इनकी बात की, मैं तो इनका नाज कहूंगा। वो नाज अगर शरद जी को अपने से करीब करना है तो वो नाज आपको उठाने ही पड़ेगा। इसलिए मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं तो खैर